हेलो एवरीवन ईवीएस की सेकंड क्लास में आज हम प, आगे का सम्मेलन करते हैं हम जितने भी कन्वेंशन हुए हैं ईवीएस के वो कर रहे थे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो इसलिए हमने रोक दिया था अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है तो देखो एजेंडा जो ट्वेंटी वन था ये कब था एजेंडा रियो सम्मेलन हुआ था ना पहला जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं रियो सम्मेलन कब हुआ था नाइनटीन में ठीक है एक सौ बयासी देशों ने इसमें भाग लिया था पहले बार में ठीक है अब इसकी जो घोषणा थी उन्नीस सौ तिरानवे में एक आयोग का गठन किया गया था जिसमें सतत आयोग सतत विकास पर आयोग कहा जाता है यानी सतत विकास सतत विकास का मतलब होता है कि जब जैसे पेट्रोल डीजल है ये भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखना कैसे बचा के रखेंगे जैसे इसके सब्सटीट्यूट है जैसे हम सोलर एनर्जी यूज कर ली या हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर दिए ताकि जो पेट्रोल डीजल है उसको अगली पीढ़ी तक बचाया जा सके उसको सतत विकास कहते हैं सतत मतलब लगातार यानी आगे पीढ़ियों को भी मिलती रही वो चीजें ठीक है इस आयोग ने 1993 में कार्य करना शुरू किया था ठीक है अब न्यूयॉर्क सम्मेलन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं टफ बनाने के लिए पेपर तो हमें सारे सम्मेलन पढ़ने हैं न्यूयॉर्क सम्मेलन कब हुआ था अमेरिका के गठन राज्य के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। देखो सभी सम्मेलनों के नाम है ना जहां पर वो हुए थे उन्हीं के नाम पर है ये न्यूयॉर्क में हुआ था अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में हुआ था तो न्यूयॉर्क सम्मेलन हो गया इसका नाम नाइन्टीन में हुआ था ठीक है ना और इसका विषय क्या था एजेंटा जो ट्वेंटी वन थे जिसमें हमने विषय लिए थे ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हटे थे गरीबी स्वास्थ्य वित्तीय संसाधन मानवीय व्यवस्थापन ठीक है तो इन इनको प्रभावी बनाना ठीक है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इनको प्रभावी बनाना आगे देख हैं नैरोबी घोषणा पत्र एक नैरोबी घोषणा पत्र आया था ये केन्या देश के नैरोबी शहर में आया था यह भी 1997 में ही में था इसका क्या उद्देश्य था कि जितने भी अभी तक जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई है उनको प्रभावी बनाना यानी दोनों का काम प्रभावी बनाना था दोनों 1997 में आई थी वो न्यूयॉर्क में आई थी नैरोबी में नैसे न्यूयॉर्क नैसे नैरोबी दोनों नाइन्टी में आई थी ठीक है ये किन्ना देश में था अब ये इंपॉर्टेंट है भाई क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल क्या थी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग से जो वातावरण में पर, पर, परिवर्तन आ रहे हैं ना चेंज हो रहा है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से उसको रोकने के लिए ये ग्यारह दिसंबर नाइन को अपनाया गया था ये देखो ये भी नाइनटीन नाइन्टी सेवन में यह ग्यारह दिसंबर नाइनिटी को ठीक है इसका क्या उद्देश्य था कि पूरे सभी राष्ट्र एकमत होकर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कटौती करेगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है गर्मी बनाती है और गर्मी से क्या हो जाती है सारी बर्फ पिंगल जाएगी तो क्या हो जाएगी बाढ़ आ जाएगी और जनसंख्या क्या हो जाएगी जनसंख्या को हानि हो जाएगी यानी एक तरह से सारे ही पानी पानी हो गया तो मोस्टली जनसंख्या वो है ना खतरे में पड़ जाएगी अब इसकी जो पहली बैठक पहली अवधि कब कब तक गई थी पहली अवधि का मतलब है कि ये बता दें कि दो से लेकर 2012 तक भाई आपने इतनी कटौती कर करनी है इतनी परसेंट करनी है ठीक है और फिर लेकिन अगर नहीं कर पाए तो एक पैंसठ देश अभी तक दूसरी दूसरी अवधि बना दी कि 13 से लेकर 20 तक आपने इस जो हमने बात की है इस पर पुष्टि करना अब है सीएटल सीएटल कब हुई थी अमेरिका में नाइन्टीन नाइन में ठीक है सीएटल कहा हुई थी अमेरिका के सिएटल शहर में हुई थी जो भी सम्मेलन है उसी के शहर के नाम है सिएटल कहाँ पे है अमेरिका में कब हुई थी नाइनटीन नाइनटी नाइन मेरे इसका उद्देश्य क्या था इसका जो विषय था वो था विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना जो विश्व में व्यापार हो रहे हैं वो पर्यावरण के दायरे में आना चाहिए पर्यावरण से हानि नहीं होनी चाहिए उनसे जोहान्स बर्ग देखो रियो सम्मेलन जो हुआ था उसके दस साल बाद हुआ था जोहान्स जो बर्ग रियो सम्मेलन का पहला और तीसरा तो रियो में ही हुए थे सम्मेलन लेकिन जो दूसरा था ना वो जोहान्स बर्ग में हुआ था ठीक है जोहान्स बर्ग इसको रियो प्लस टेन भी बोलते हैं क्योंकि रियो सम्मेलन हर दस साल बाद होते हैं पहले नाइन में हुआ था और दस साल जोड़ दिए तो कब हो गया दो हजार दो में दो हुआ जोहान्स में ये जोहान्स बर्ग कहां है दक्षिण अफ्रीका का शहर है जोहान्स बर्ग इसलिए इसका नाम जोहान्स सम्मेलन रख दिया ठीक है इसका उद्देश्य क्या था कि सतत विकास करना सतत विकास वही है कि जो पर्यावरण में हम चीजें हैं वो आगे पीढ़ी तक हमें सुरक्षित रखना यानी उनको यूज के लिए भी रखना और इसमें एक और संस्था की स्थापना हुई थी जिसे विश्व एकजुटता कोष कहा जाता है ठीक है ना जो हांस वर्ग सम्मेलन में ही कौन सा कौन सा किसको मंजूरी मिली थी किसकी किस स्थापना हुई थी विश्व एकजुटता कोष ठीक है ना अब रियो ट्वेंटी रियो ट्वेंटी क्या था रियो ट्वेंटी मतलब रियो सम्मेलन जो नाइनटीन नाइन्टी टू में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन उनके बीस साल बाद और ये भी जिनेरियो शहर में हुआ था रियो डी जिनेरियो सैर ठीक है रियो में ही हुआ था रियो डिजिनेरियो दो हजार बारह में ये भी ब्राजील में हुआ था और पहले वाला भी ब्राजील में हुआ था दूसरा सिर्फ जो में हुआ था ठीक है इसका उद्देश्य क्या था कि सतत विकास पर बल देना और इसमें एक और थीम दिया गया था इसका जो मेन पॉइंट था वो था फ्यूचर वी वांट ठीक है फ्यूचर वी वांट कि हम कैसा फ्यूचर चाहते हैं उसके लिए फ्यूचर वी वांट अब दूसरा एक और सम्मेलन था कानकुन कानकुन सम्मेलन कानकुन सम्मेलन का हुआ था संयुक्त राष्ट्र में हुआ था मैक्सिको में और इसका उद्देश्य था जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं ना उसके लिए ठीक है और ये कब हुआ था उनतीस नवंबर से दस दिसंबर दो हजार दस दस दिसंबर तक ही हुआ था और दो हजार दस में, में ही हुआ था इसमें इसको यू एन एफ ट्रिपल सी कोप सिक्सटीन के नाम से भी जाना जाता है इसको कानकुन सम्मेलन आ जाओ या फिर यूएन एफ आ जाओ तो एक ही बात है ये जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था उन्तीस नवंबर से लेकर दस दिसंबर तक के बीच हुआ था ठीक है आगे था कि इसमें एक सौ एक सौ चौरानवे देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ये तो नहीं है इसका मेन उद्देश्य क्या था कि औद्योगिक काल में जो भी इंडस्ट्री से वातावरण में वृद्धि हुई है तापमान की उस तापमान को दो डिग्री से कम करना ठीक है अब की बार दो डिग्री से कम करना दो डिग्री कम करना यानी तापमान को दो डिग्री कम करना इसका किसका कथा कानून को कानकुन कानकुन और कब हुआ था ये उनतीस नवंबर से दस दिसंबर दो हजार दस के बीच में और इसमें जलवायु परिवर्तन को कितना कम करना था तापमान को दो डिग्री कम करना था और इसको क्या बोल बोला जाता है यू एन एफ ट्रिपल सी कोप सिक्सटीन के नाम से भी जाना जाता है अब जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है एक तो यही है यू एन एफ सी सी इसका अगर फुल फॉर्म आ जाती है कई बार की फुल फॉर्म बताऊँ तो फुल फॉर्म क्या है यू से यूनाइटेड एनसी नेशंस एफ से फ्रेमवर्क फिर ये तो तीनों लिख के सही दे देते हैं लेकिन इसमें कन्फ्यूजन कर देते हैं कई बार कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज

अब सचिवालय क्या होता है सचिवालय है क्योटो प्रोटोकॉल और समझौते के के लिए आगे बढ़ाना यानी इसका सचिवालय का क्या करता है सॉरी सचिवालय तो मुख्यालय हो गया ना सचिवालय क्या करता है सचिवालय क्या करता है तो... ये क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते को आगे बढ़ाना है उसका काम करवाता है ठीक है ना अब आगे देख लेते हैं जैव विविधता अभिषम जैव विविधता क्या है कन्वेंशन ऑन बायो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इसको सी बी डी भी बोलते हैं सी बी डी और इसका कब हुआ था ये भी 1992 में हुआ था रियो रियोडीजीनेरियो में आयोजित किया था जो पहला पृथ्वी सम्मेलन है ना उसमें कुछ समझौते किए गए थे कि क्या क्या किया गया था तो इसका सी बी डी नाम रखा गया था जैव विविधता कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ठीक है सी बी डी तो इसका इसमें क्या जैव विविधता के कई पहलुआ लगाए गए थे और इसमें विश्व के एक सौ छियानवे देशों में ने भाग लिया था लेकिन साइन कितने निकले थे एक सौ अड़सठ ने हम बाध्य नहीं कर सकते ना किसी को साइन करने के लिए और भारत जो सीबीडी है ये इसका पक्षकार है ठीक है अब इसकी जो मुख्य बातें हैं वो है जैव विविधता का संरक्षण करना जो जैव विविधता है उसको बचाना कर, उसको संरक्षण करना जैव विविधता के जो घटक है उनका सतत उपयोग करना ठीक है ना और आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों को उचित व समान भागीदारी करना जैसे हमने कोई चीज़ इन्वेंशन कर दी दूसरे देश अगर उसको यूज कर रहे हैं तो भारत को उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए यानी लाभ को उचित और समान भागीदारी को मिलना चाहिए जिसने जो भी कन्वेंशन किया जिस जो दूसरा उसकी चोरी कर रहा है तो उसको उसका बेनिफिट देना चाहिए

एंड से नेचुरल रिसोर्सेज प्रकृति के संरक्षण के लिए यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संघ आई आई यू सी एन ने ये सबसे पुराना है और सबसे बड़ा वैश्विक जो पर्यावरण संगठन है सबसे बड़ा और सबसे पुराना है 1948 में स्थापित किया गया था यानी उन्नीस में हमारा देश आजाद हुआ तो उन्नीस में इसको शुरू कर दिया था आज ये सबसे बड़ा पेशेवर और वैश्विक संरक्षण नेटवर्क है इसका मुख्यालय पूछे तो कहाँ है ये स्विट्जरलैंड में है जिनेवा के पास है जो ग्लैंड ठीक है वहां पे है इसका जो कार्य होता है वो होता है जैव विविधता का संरक्षण करना यानी आई यू सी एन जो संकटग्रस्त प्रजातियों ना रेड डाटा सूची जिसको बोलते हैं लाल सूची उसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को यू रखना लिया ठीक है और दुनिया भर में सैकड़ों परियोजना चलाई जा चुकी है लेकिन भारत ने जो यू एन आई यू सी एन का सदस्य कब बना था भारत उन्नीस में बना था आई यू सी एन लेकिन बन गया था उन्नीस में ये बन गया था लेकिन भारत कब बना इसका सदस्य उन्नीस को ठीक है जो ये भार आ, ये डब्लू डब्ल्यू एफ बोलते हैं जिसको आ, इस संरक्षण के लिए विश्वव्यापी कोष है इसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर अब इसका नाम रख दिया गया वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड फंड ठीक है ना फॉर नेचर बोलते हैं आजकल इसको उन्नीस में स्थापित किया था और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है भाई लिमिटेड है और इसको इसका उद्देश्य क्या था कि पर्यावरण पर जो मानव के प्रभाव है उसको कम करना और इसका मुख्यालय पूछे तो कहाँ है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है स्विट्जरलैंड में है मुख्यालय और क्या करना है मानव के प्रभाव को कम करना है डब्लू डब्लू एफ डब्लू डब्लू एफ इससे पहले इसका नाम क्या था विश्व वन्य कोष ठीक है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में तो आज भी इसका यही नाम है लेकिन बा, बाकी जगह डब्ल्यू डब्ल्यू एफ कर दिया है पहले इसका नाम क्या था विश्व वन्य जीव कोष विश्व वन्य जीव कोष ठीक है याद रखना है अब डब्लू डब्ल्यू एफ हो गया इसका उद्देश्य क्या है पर्यावरण के जो अक्षति हो रही है उसको रोकना यानी मानव के प्रभाव को कम करना यानी मानव उसके साथ संभावना बनाए रखें ठीक है और छह क्षेत्र इसमें आते हैं जैसे भोजन जलवायु मीठा पानी वन्य जीव जंगल महासागर ठीक है और विश्व प्रकृति संगठन है कि वर्ल्ड नेचुरल सॉरी वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन डब्लू एन ओ बोलते हैं इसको डब्लू एन ओ ये कब बना था 2010 में उन राज्यों द्वारा स्थापित किया गया था जो समुद्र में बढ़ते स्तर से खतरे में है ठीक है ना समुद्र के बढ़ते स्तर का डब्ल्यू एन ओ का क्या था वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन थी और समुद्र में समुद्र का जो बढ़ता स्तर है यानी समुद्र का पानी ग्लोबल वार्मिंग से क्या होती है बर्फ निकल जाती है समुद्र में पानी ज्यादा हो जाता है तो समुद्र का जो बढ़ता स्तर है उससे जो खतरा हो रहा है उसके लिए ये स्थापित किया गया था और इस इसको कब ये लागू हुआ था एक मई दो हजार को एक मई एक इसका याद रखना है कि एक मई 2014 को लागू कर गया था कहाँ पर इसका स्थान कहाँ है जिनेवा में जीने के लिए नाव चाहिए यानी समुद्र में जो पानी स्तर बढ़ गया है ये याद रखने के लिए बोल रही हूँ ऐसे नहीं है कि नाव चाहिए जिनेवा कहाँ कब हुआ था एक मई 2014 को एक मई क्या है मजदूर दिवस ठीक है न और क्या बनाएंगे जीने के लिए नाव बनाएंगे जिने समुद्र के बढ़ते स्तर को याद रखने के लिए ठीक है अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है ये ये सरकारी संगठन है और इसका मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना पर्यावरण संरक्षण को बचाना और विश्व प्रकृति संगठन मतलब इसमें कई तरह की योजनाएं बनाई गई है ये हरित जलवायु कोष है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके फुल फॉर्म याद रखने लिए हैं इसको जी सी एफ बोलते हैं जी सी एफ जी से ग्रीन सी से क्लाइमेट एफ से फंड ग्रीन क्लाइमेट फंड और ये सबसे बड़ा समर्पित फंड है भाई इसको 2010 में जो क्लाइमेट चेंज के लिए इसके यू है ना इसके द्वारा स्थापित किया गया था जी और इस जो पेरिस समझौता हुआ था जीसीएफ की पैरिस समझौतों को पूरा करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसमें क्या था कि दो प्रतिशत कमी करना तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की कमी करना यह स्क्रीनिंग में आया हुआ क्वेश्चन था कि पेरिस समझौते में कितने प्रतिशत कमी करने की तापमान में कितना प्रतिशत कमी करने के लिए बोला गया था तो दो डिग्री सेल्सियस नीचे रखने का लक्ष्य लिखा गया था जी में ठीक है विश्व यह कोष विशेष रूप से कम विकसित देशों में ठीक है ना कम विकसित देशों के लिए छोटे द्वीप विकासशील देश है ना जो जैसे उनके लिए यानी अफ्रीकी राज्यों में जलवायु परिवर्तन को प्रभाव के लिए अत्यधिक संवेदन समाज उनकी जरूरतों पर ज्यादा ध्यान देता है जो कम विकसित है या विकासशील है या अफ्रीका है अब भारत की देख लेते हैं ये तो विश्व की थी भारत की पर्यावरण संबंधी संस्थाएं कौन कौन सी है भारत में एक तो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये है केंद्रीय अगर हिंदी में बोले तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसको सी बोलते हैं सी पी सी से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये क्या है कि पर्यावरण वन और जलवायु में परिवर्तन के लिए जो मुख्यालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है कब स्थापना विधि उन्नीस में ठीक है इसमें जो इसको क्या बोलते हैं प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम उन्नीस के तहत रखा गया था इसका मुख्यालय कहाँ है नई दिल्ली में और इसका जो क्षेत्र है वो देश के सर्वोच्च ये देश का सर्वोच्च संगठन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ठीक है दूसरा है राष्ट्रीय ये तो केंद्रीय था ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इसको बोलते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी बायो अथॉरिटी ठीक है ना एन बी ए अगर शोर्ट में बोले तो एन बी ए एन से न, नेशनल बी से बायोडाइवर्सिटी ए से अथॉरिटी कब बना था दो में और इसको यह दो में भारत के जैविक विविधता 2002 को लागू करने के लिए स्थापित किया था 2002 में जो कानून बनाए थे उसको लागू करने के लिए 2003 में बनाया गया था था क्या क्या का मतलब क्या था कि पर्यावरण वन जलवायु में जो परिवर्तन मंत्रालय है भारत सरकार के तहत उसको एक संवैधानिक और स्वायत्त निकाय बनाना और इसका मुख्यालय कहाँ है चेन्नई में ठीक है ना वहां उसका क्या था नई दिल्ली सेंट्रल का इसमें चेन और मिला दो कि चेन आ गई राष्ट्रों की चेन बन के नई दिल्ली ठीक है तो चेन्नई और इसका उद्देश्य क्या था उसका इसका उद्देश्य था कि जैव जो जैविक संसाधन है उस पर आधारित जो एन है एन उसको उसकी स्वीकृति आवश्यक है भाई एन की स्वीकृति के बिना आप कोई भी जैविक संसाधन कोई भी शोध नहीं कर सकते यानी कोई भी आपको चेक करना है कोई भी आपने आविष्कार करना है उस पर शोध करके देखना है तो सबसे पहले इसकी अनुमति लेनी जरूरी है ठीक है ना एन बी ए की अनुमति से ही आप कोई शोध कार्य कर सकते हो कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ठीक है एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो इसका लाभ साझा करने की शर्त बताई गई थी कि स्थानीय लोगों को क, 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 की सुरक्षा करना एक तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करना स्थानीय लोगों को कोई भी कुछ भी कर देगा तो स्थानीय लोगों को बताना चाहिए ना इसको क्या होगा इससे क्या बैड इफेक्ट हो सकते हैं मतलब तो उसको पहले से ही एक तरह से ही संस्था से अनुमति लेनी पड़ेगी एक है वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये बना हुआ था इसमें जैसे मुसलमान खान ने क्या किया था वो शिकार किया था ना उसको भी पकड़ लिया था पुलिस ने तो अब अप वन्य अपराध है भैया वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसका जो ये क्या उद्देश्य है कि भारत सरकार ने स्थापित किया है इसके बहु विषय है यानी कई विषय है इसके और इससे जो देश में संगठित वन्य जीव है ना उसको अपराध से निपटने के लिए ब्यूरो कहाँ इसका नई दिल्ली में है ठीक है ना मतलब आप शिकार नहीं कर सकते ठीक है ना अपराध है जीव को नियंत्रण करना नियंत्रण और गंगा नदी ये काफी इंपॉर्टेंट है अभी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण इसको नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बोलते हैं ये गंगा को साफ करने के लिए चलाई गई थी ठीक है ना कब इसका गठन कब किया गया था फरवरी 2009 में ठीक है और अगर अधिनियम कौन सा अधिनियम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उन्नीस के तहत किया गया था और गठन कब किया गया था फरवरी 2009 में और किसके तहत किया गया था जो अधिनियम उन्नीस वाला अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण और अधिनियम उन्नीस के तहत किया गया था इस ये केंद्र और ये समवर्ती सूची होती है ना समवर्ती मतलब जिसमें केंद्र भी भाग ले और राज्य भी तो केंद्र और राज्यों की योजना है ये और इसका उद्देश्य क्या है व्यापक योजना और प्रबंधन के लिए नदी वेशन दृष्टिकोण को अपनाना यानी नदी में जो गंगा नदी में प्रदूषण हो रहा ना उसको उसका संरक्षण करना उसको प्रभावी बनाना यानी प्रदूषण को रोकना एक तरह से और इसमें एक चेंज किया गया था 20 सितंबर 2016 को इसको इसमें एक अधिसूचना जारी की थी केंद्र सरकार ने गंगा नदी काया कलप यानी बाद में इसका चेंज नाम कर देंगे गंगा नदी काया कलप कर देंगे ठीक है आगे है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ठीक है इसको बोलते हैं एन टी सी ए एन टी सी ए मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अब नाबी ना नाबिया ना शहर से वो बनाए गए थे ना बाघ ठीक है चित्ते तो ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब हुई थी दो हजार पाँच में हुई थी भाई इसमें यानी टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद की गई थी अगर किस पूछे किस किसकी सिफारिश पे किया गया है तो र, र, जो टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश पे किया गया था जिसे टाइगर प्रोजेक्ट पुनर्गठन और भारत में कई टाइगर रिजर्व पुनर्गठन प्रधानमंत्री द्वारा गठित किए गए थे ठीक है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं जर पाँच मिनट नरेंद्र मोदी थे कमेंट सेक्शन में बताएं बागों के भंडार के प्रबंधन और राज्य और केंद्र सरकार की मदद करना इसका काम क्या था कि जो बागों के भंडार हैं भंडारण हैं उसके लिए भंडार के लिए जो प्रबंध करने जाए वो राज्य भी करेगा और केंद्र शासित केंद्र सरकार भी करेगा जो सरकार की मदद करेंगे केंद्र अब कुछ जो इंपोर्टेंट संस्थान भी देख लेते हैं और उनके मुख्यालय कहाँ वो देख लेते हैं मोस्टली देहरादून में ही है लेकिन कुछ एक कोलकाता में वगैरह में भी है तो वो देख लेते हैं सबसे पहला कौन सा है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र प्राणी विज्ञान प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है कोलकाता में ठीक है ना कोलकाता प्राणी विज्ञान इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ है देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में फॉरेस्ट रेंज देहरादून में वन्य जीव वन्य अनुसंधान संस्थान कहाँ देहरादून में, में। वन्य जीव संस्थान भी देहरादून में ठीक है लेकिन वनस्पति वनस्पति और प्राणी विज्ञान ये कहाँ है कोलकाता में है वनस्पति और प्राणी विज्ञान कहाँ है कोलकाता में और बाकी ये देहरादून में है एक सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र है ये कोयम्बंटू में है ये काफी इंपॉर्टेंट है कोयम्बंटूर में ठीक है प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहा है नई दिल्ली में केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान का है इज्जत नगर बरेली में बरेली का है यूपी में अब भारत के सबसे बड़े देख लिये भारत के सबसे बड़े अगर विशाल संग्रहालय की बात करें तो चेन्नई में है मछलीघर सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा मछली घर कहाँ है मुंबई में और चिड़ियाघर कहाँ है अलीपुर कोलकाता में कोलकाता में क्या है चिड़ियाघर है प्राणी विज्ञान है और क्या था वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर ठीक है ये कोलकाता में है मछली मैसे मछली मैसे मुंबई ठीक है मछलीघर कहाँ है मुंबई में और संग्रहालय कहाँ है चेन्नई में ठीक है ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी नेक्स्ट जो हम अगली वीडियो में करेंगे थैंक यू